हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ की जिला हमीरपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक जिला प्रधान ब्रह्मदास की अध्यक्षता में हुई। इस त्रैमासिक बैठक पुलिस लाइन दुसड़का में आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में संघ के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में एक वर्ष मेडिकल रिवर्समेंट बिलों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर पूर्व पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो कर्मचारी वर्ष 2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें बढ़े हुए ग्रेड पे नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इस वर्ग के कर्मचारियों में खासा रोष है। संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय मिनी सचिवालय भवन की तीसरी मंजिल पे होने के कारण बुजुर्ग लोगों को पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं कार्यालय में बाहर से आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भटकना पड़ता है। दिव्यांग तथा बुजुर्ग लोगों को इस प्रकार पौड़ियों से उतारने में भी खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कार पार्किंग स्थल से सीधे पौड़ियों का प्रावधान किया जाए। बाहर से आने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार के कमरे में बैठने की व्यवस्था नहीं है। अपने कामों को करवाने वाले लोगों को घंटों बाहर खड़ा होना पड़ता है। लोगों को बैठने के लिए कमरे की व्यवस्था का प्रावधान किया जाए, जिससे लोगों को प्रतीक्षा कक्ष का लाभ मिल सके। आज की मीटिंग में सबसे पहले पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनको सेवानिवृत्त कर्मचारियों पुलिस कर्मचारियों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। दूसरा, जो पीछे हमने 16 बिड्डो को 16 भेंट की थी, सम्मानित की थी बिड्डो, उनके बारे में डिस्कस हुई और उसका हिसाब किताब दिया गया। और तीसरा यह है कि हमारा एसपी ऑफिस जो है वो चौथी मंजिल में जाकर है और इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि जिसका वर्णन करना आसानी है। वहाँ लोगों को बैठने के लिए कोई स्थान भी बचा नहीं है और बड़ा भीड़ वाला हो चुका है। इससे हम सभी एम्प्लॉय ने रखा है कि हमारा एसपी ऑफिस जो या तो खुली जगह ले जाया जाए या फिर जो पार्किंग है उससे सामने से पौड़ियाँ उठाकर उसको डायरेक्ट जो अप्रोच की जाए, ताकि जो बूढ़े आदमी जो है, जैसे हमारे कर्मचारी बूढ़े हैं, लोग दुखी जो है वो बूढ़े हैं, वो इन पौड़ियों पर चढ़ना उनको मुश्किल हो जाता है और कईयों को तो उसमें पता भी नहीं चलता है कि अब किस तरफ से जाना है। बाकी और जो समस्या थी हमारी कंटीन की समस्या जो थी वो सरकार ने हमारी हल कर दी है, तो हम उसके बारे में जो है उसके सदस्य बन रहे हैं हमारे कर्मचारी जो हैं, तो ये जो है आगे के लिए एक सहूलियत जो है। हम सभी का एसपी साहब का, सरकार का और अपने पुलिस विभाग के डीजी साहब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।